केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आज जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पहली बार पटना पहुंचेंगे, लेकिन उनके पटना पहुंचने के पहले ही जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने बिहार यात्रा पर निकल जाएंगे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा आज बिहार यात्रा की चौथे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज वो जहानाबाद दौरे पर रहेंगे, जबकि 17 अगस्त को वो गया जिले में रहेंगे। और बात करें अगर 18 अगस्त की तो 18 अगस्त को वो औरंगाबाद जिले में रहेंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इधर आरसीपी सिंह आज पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। तमाम सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। आज दोपहर 12 बजे आरसीपी सिंह पटना पहुंचेंगे। हालांकि ये तय माना जा रहा था पहले से ही कि आरसीपी सिंह के जिस दिन आरसीपी सिंह यहां पर आएंगे उस दिन उपेंद्र कुशवाहा उनके स्वागत समारोह में मौजूद नहीं रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अगर आज पटना में होते भी तो इस बात की संभावना ना के बराबर थी कि वो आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह में शामिल होते। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए लगाए गए तमाम पोस्टर्स और बैनर्स में उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर को गायब किया जा चुका है। लगातार आरसीपी सिंह के खेमे के नेता उपेंद्र कुशवाहा को जलील कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा उनके नेता नहीं है। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह आरसीपी सिंह के करीबी नेता अपमानित कर रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि जदयू में दो खेमे बन चुके हैं। हालांकि आरसीपी और कुशवाहा खेमे के बीच चल रही खींचतान के दौरान ललन सिंह का अपना खेमा भी मौजूद है। जदयू के नए अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने अब तक बेहद संभल कर कदम बढ़ाया है। वो पार्टी को नंबर वन बनाना चाहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा से उनकी कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि कुशवाहा से मिलने के लिए ललन सिंह उनके घर भी जाते हैं। कुशवाहा और ललन सिंह की करीबियां कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह की बेचैनी भी बढ़ा रही है। उधर उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर लगातार बिहार यात्रा कर रहे हैं। कुशवाहा चौथे चरण के बाद पांचवें चरण में भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। 26 अगस्त को उनके पांचवें चरण की यात्रा शुरू होगी। सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, 27 अगस्त को शिवहर, 1 सितंबर को सारण, 2 सितंबर को सिवान, 3 सितंबर को गोपालगंज और 4 सितंबर को वैशाली में उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा होगी। तो एक तरफ आज जहां केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह पटना पहुंचेंगे, वहीं दूसरी तरफ जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह में मौजूद नहीं रहेंगे। और ये स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों की दूरियां जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी पोस्टर्स आरसीपी सिंह के लगाए गए हैं वहां पर कहीं भी उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं है। आपको बता दें कि अगर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा मौजूद भी रहते पटना में, अगर वो बिहार यात्रा पे नहीं जाते तब भी ये ना के बराबर संभावना थी कि उपेंद्र कुशवाहा उनके स्वागत समारोह में जाएंगे। तो वो लगातार जो है उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज इस संदर्भ में वो जहानाबाद में मौजूद रहेंगे, जबकि कल वो गया जिले का दौरा करेंगे। फिलहाल इतना ही, आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।